So hello and welcome back everyone to another episode of University Wars, and today we are going to have a war between Manipal Online and Uttaranchal University Online Education. Hum karenge in dono universities ko compare aur janenge ki aapke liye कौन सी यूनिवर्सिटी है बेस्ट। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस आगे आती रहेंगी। साथ ही अगर आपको कोर्स या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां मणिपाल यूनिवर्सिटी हैज कम अप विद अ मेकओवर, जिसमें आपको बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको नए स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं यहां पे, आप स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, एंड और भी कई चीज़ें मणिपाल यूनिवर्सिटी अब आपको प्रोवाइड कर रहा है। वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है वो है आपका पॉकेट फ्रेंडली फी स्ट्रक्चर, उसके अलावा क्रेडिट स्कोर मिलता है और भी कई चीजें। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों यूनिवर्सिटी को बहुत ही आसानी से कंपेयर करते हैं, एंड दैट इज ऑन कॉलेज विद्या का कंपेयर फीचर, जहां पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सारे फैक्टर्स देखेंगे, एंड उसके बाद हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज के और भी जो नई नई चीजें हैं उन सबको साथ में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें कंपेयर करते हैं कॉलेज विद्या के कंपेयर फीचर पे। कॉलेज विद्या पे आप कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देके इन दोनों यूनिवर्सिटीज के बहुत से फैक्टर्स को जान सकते हैं, जैसे कि इनका अप्रूवल्स, इनका ई लर्निंग सिस्टम, स्टूडेंट्स रेटिंग क्या है, इनका ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल कैसा है। साथ ही साथ आप इसके प्लेसमेंट पार्टनर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करनी है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख के कंपेयर करके अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ जाना चाहते हैं। आप इनसे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, इनका फी स्ट्रक्चर, मतलब आपको यहाँ पे ना सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। सो कॉलेज विद्या पे कंपेयर करके आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें मिल भी गई। आप प्लेसमेंट पार्टनर्स भी अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के, और यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। एंड आई थिंक कि अब तक आप ना डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ जाना है। सो आपका जो डिसीजन है उसे और वैलिड बनाने के लिए मैं इन सभी जो फैक्टर्स है इनको और डिटेल्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अलावा मणिपाल के पास है यूजीसी अप्रूवल, 7th रैंक इन NIRF, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AACSB का एक्रेडिटेशन भी है जिससे आपकी डिग्री अब्रॉड में भी बिल्कुल वैलिड होती है, और इसके पास AMBA का एक्रेडिटेशन भी है। वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास भी है UGCDEB अप्रूवल, NAC A+ एक्रेडिटेशन, एंड सभी के सभी इसके अप्रूवल्स भी आप यहां पे देख सकते हैं। अब हम इन दोनों ही यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात करें तो ये दोनों यूनिवर्सिटी आपको बोथ UG एंड PG प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि MBA, MCA, BBA, BCA, ये सारे प्रोग्राम्स। और हम बात करें इसके स्पेशलाइजेशन की, तो जहां आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में 13 स्पेशलाइजेशन मिलते हैं MBA प्रोग्राम में, वहीं आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में थोड़े कम स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। बट हम इनके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आपको पॉकेट फ्रेंडली प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर हम बात करें MBA प्रोग्राम की, तो जहां मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपका पर सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर है 65,000, वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का 66,000 में आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके साथ आप इसके अदर प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में अब आपको MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल भी मिलता है, जिसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें आपको पूरे 10 स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। इसका भी फी स्ट्रक्चर 65,000 पर सेमेस्टर का है। आप इनके BBA, BCA, MCA प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसके साथ ही मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपको कुछ और भी प्रोग्राम्स मिलते हैं ऑनलाइन मोड पे, जैसे कि MSc डेटा साइंस, PGCP इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आपको एडिशनल BA प्रोग्राम भी मिलता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपको EMI फैसिलिटी मिलती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, और यहाँ पे आप इसके फैकल्टीज को भी देख सकते हैं। वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आपको मिलते हैं टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर्स, के साथ साथ आपको क्रेडिट स्कोर भी मिलता है, जो कि 80 से लेके 120 तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में TA सेशंस भी मिलते हैं, जो कि आपके जो आपका फैकल्टी मेंबर होंगे उसके अलावा आपको TA सेशंस भी मिल जाते हैं, और इसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आपको 60+ लाइव सेशंस मिलते हैं, 30+ केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स
मिलते हैं और मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपकी 8 to 10 आवर्स की आपकी वीकली लाइव क्लासेस होती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों यूनिवर्सिटी के LMS की। जैसा कि आपने कंपेयर पोर्टल पे देखा, ये दोनों यूनिवर्सिटी आपको LMS प्रोवाइड करती है, वही मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपको LMS में अब बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे कि अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका एक मीटअप करवाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में होता है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आके मीटअप कर सकते हैं। आपको एक ऐप भी मिलता है जिससे आप लर्निंग कर सकते हैं एंड और भी कई चीजें। मणिपाल यूनिवर्सिटी आपको लर्निंग ऐप प्रोवाइड करती है, दैट इज एपिक यू। आपको यूनेक्स्ट वर्चुअल लैब मिलती है, यहाँ पे आप वर्चुअली लैब के थ्रू काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। आपका वर्चुअल ओरिएंटेशन होता है, आपके एक्सपर्ट सेशंस एंड वेबिनार्स होते हैं, और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आपके जो प्रीवियसली यहाँ पे वेबिनार्स हो चुके हैं उनके बारे में भी आप इसकी वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकते हैं। इट इज अ थिंग जो मुझे काफी अच्छी लगी, इससे आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि आपके आगे आने वाले वेबिनार्स कैसे होंगे। यहाँ पे मंथली न्यूज़लेटर होता है, लर्नर्स एक्सपीरियंस, आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जो कि वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये भी काफी इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको सभी एज ग्रुप्स के लोग मिल जाते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू करी अपने फ्यूचर को और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपको ऑनलाइन वर्कशॉप्स मिलती है, करियर एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट सर्विसेज मिलती है। अब यही बात करें हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के LMS की, तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइव क्लासेस बाय फैकल्टीज ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटिंग, करियर असिस्टेंस मिलता है, वर्चुअल जॉब फेयर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, और आपको इंटरनेशनल अकेडमी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन मिलता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट असिस्टेंस की। तो दोनों यूनिवर्सिटी के पास काफी अच्छे खासे हायरिंग पार्टनर्स हैं, सो आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं, और साथ ही ये दोनों यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपको करियर एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस सर्विसेज प्रोवाइड होती है, टॉप रिक्रूटर से टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं आपके, यहाँ पे इंडस्ट्री रेडीनेस प्रोग्राम्स होते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मेंटरशिप होती है। वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आपको टॉप नॉच रिक्रूटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आपको इंटरव्यू के लिए रेडी किया जाता है। सो बेसिकली इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपको कुछ अच्छी और कुछ बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी के सभी फैक्टर्स लिस्ट करके बता दिए, बट स्टिल अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक भी कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।